श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की तैयारी भी मैं जोरों शोरों से कर रही हूँ। तो मैं तो जन्म तो नहीं करती हूँ, लेकिन सारी प्रोसेस, सारी होती है विधियाँ होती है ना, वो सारा चीज़ करती हूँ। प्रसाद बनाना, भोग बनाना, सारा कुछ करती हूँ। तो मैं सुबह में ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई हूँ और टचअप कर रही हूँ अपने आप को, ताकि पूजा का सारा काम कर सकूँ। तो सुबह का चीज़ होता है, स्नान कर चुकी हूँ और अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत टचअप कर लेती हूँ, ताकि पूरे काम को ना कर लेती हूँ। तो थोड़ा बाल मेरा अभी गीला है, तो मैं अभी क्लचर लगा के उसके बाद पूजा के रूम में चली जाऊंगी, पूजा की सारी तैयारी करूंगी। थोड़ी बहुत झांकी बनाती हूँ और झांकी बनाने के साथ साथ वहाँ प्लांट वगैरह जो भी मुझसे हो पाता है पॉसिबल, वो सारा कुछ कर लेती हूँ। हस्बैंड को जाने का टाइम हो चुका था, आज कोई छुट्टी किसी की भी नहीं थी, बेटे की भी नहीं थी, तो सभी स्कूल चले गए हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। अब मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और इन सारी जितने भी भगवान जी है ना, सबको हटाऊंगी और अच्छे तरीके से उनको साफ करके पोंछ के उनकी पूजा अर्चना करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये सारे भगवान जी को हटा दूंगी और नए वस्त्र पहनाऊंगी, जितने भी भगवान जी हैं कान्हा जी के साथ साथ, उन सारे भगवान की ना साफ सफाई कर दूंगी। सुबह के समय ही भगवान जी को, अपने कान्हा गोपाल को स्नान कराती हूँ और इससे ना सारी चीज़ें की तैयारी करती हूँ। थोड़ी बहुत झांकी भी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा साथ देने के लिए अभी घर पे कोई नहीं है। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, मैं उतना ही सुबह सुबह के काम सारे कंप्लीट करके ये सारी चीज़ें की तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैं नए वस्त्र लाई हूँ उनके लिए, तो ये थोड़े बहुत जितने मेरे से हो पाएगा मैं वो कर लूँगी। और बाल गोपाल को स्नान करने का टाइम हो गया और ये इनके लिए बहुत ही सुंदर पिंक कलर का वस्त्र लाई हूँ। ये मुझे इस्कॉन टेम्पल में मिला था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, कान्हा जी मेरे बहुत ही छोटे हैं और पीतल के भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको अच्छे तरीके से तैयार वार सारा चीज़ करूँगी और इनके वस्त्र पहनाऊँगी। मुझे बाल गोपाल का शुरू से ही सारी तैयारी करना शुरू से ही बहुत ही पसंद आता है। आज इनकी झांकी अच्छे तरीके से मैंने जितनी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है और थोड़ा सा प्लांट पीछे की तरफ लगा देती हूँ, डेकोरेशन में अच्छे लगेंगे। वैसे भी कान्हा जी को ये सारी चीज़ झाड़ियाँ वगैरह में रहने की आदत थी, तो उसी तरह की तैयारी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारे काम मैं ना सुबह में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि दोपहर में इनकी प्रसाद बना सकूँ और शाम में इनका भोग लगेगा। अच्छे तरीके से इनके भोग लगाऊंगी, प्रसाद में मैं थोड़े बहुत जो भी होगा मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती रहूँगी। हाँ जी, की जो पूजा अर्चना होती है, जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है भारतवर्ष में, पूरे अच्छे तरीके से मंगाया जाता है और वृंदावन में तो इनकी शोभा देखने को ही मिलती है, लेकिन पटना में भी इनका बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से इसकी शोभा देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी होगी। तो ऑलमोस्ट मेरी झांकी तैयार हो चुकी है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से तैयार वर करके जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये है धनिया, जिसकी मैं चूरमा बनाऊंगी और अच्छे तरीके से इसके लिए तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और इसको थोड़े से घी में ना रोस्ट कर दूंगी। जब ये हल्के से रोस्ट और भीनी सी स्मेल आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी इसमें स्मेल आती है अच्छे तरीके से, बहुत ही मनमंद, तब इसको मैं ना दरदरा होके पीस दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए पहले साइड में रख देती हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए भोग का प्रसाद में, दूसरी जो है वो है सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैकेट से ही पहले ही खरीद लिया था और गैस वगैरह सारा खाना बना के अच्छे तरीके से गैस को पोंछ के पहले ही रख लिया था, तो अलग से तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी मैं, थोड़ी बहुत इनके लिए हलवा बना लेती हूँ और बाकी मिष्ठान वगैरह जितना भी है वो मैं बाहर से ही मंगवा ली हूँ।
हलवे अच्छे तरीके से सिंघाड़े का आटा उसको थोड़ा सा थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें पानी और चीनी डाल दीजिए। उसके बाद जितने भी मेवा आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, और कोई भी प्लेट में घी लगा के इसको अच्छे तरीके से मैं फैला देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाता है, और जो भी शेप में आप इसको काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की तैयारी हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ जो चूरमा बनाई थी ना, मैं उसको थोड़ा सा चूरन को पीसूँगी मिक्सी में, दरदरा कर थोड़ा सा पीस लूंगी, और फिर उसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा डाल दूंगी। शाम का वक्त हो चुका है, कान्हा जी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और झांकी जितनी भी मुझसे हो पाई है मैं अच्छे तरीके से लाइट वेट लगा दी हूँ। मन में तो बस यही लगता है कि जितनी भी कोशिश करो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी तैयारी मेरे से संपन्न हो पाई, अकेले मटका उटका सारा चीज़ कर चुकी हूँ। शाम का वक्त हो चुका है, मैं नहा धोवा के अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, और अब मैं इनकी शाम की आरती और भोग का प्रसाद जो बनाई हूँ ना वो सारा चीज़ लगाऊंगी। बिहारी लाल की आरती भी संपन्न होने जा रही है, और मैंने भोग का प्रसाद बना लिया था। बाहर से मैंने ना मिश्री कंद मंगा लिया है, यानी जो मक्खन होती है मिश्री होती है, और उसके बाद हलवा हो गया और मिष्ठान, ये सारी चीज़ों का भोग लगा दूंगी अच्छे तरीके से, और सारे भगवान जी को भी स्नान करा के उनका भी भोग लगा दी हूँ। रात की जन्म तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ जन्म नहीं होता है, इसलिए जन्म तो नहीं करूँगी। बाकी मैं सारी चीज़ों की पूजा पाठ इसी तरह मैं करती आ रही हूँ। आई होप्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाकी बिहारी लाल नंद गोपाल राधे कृष्ण आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। जय जन्माष्टमी।